हाथ गर्म करने का, बाइक चला गया हो, बाइक पे ऐसे ऐसे करके हाथ रखो। तो काम चल रहा है अपना पूरा, यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है बाइक। सो ये खिचड़ी बना रखी है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो बहुत दिन बाद आज व्लॉग कर रहा हूँ, और पूरा अपना आज मकर संक्रांति है, तो सबको बहुत विशेष मकर संक्रांति की। तो बस अभी जिम से आया था, अभी पोस्ट वर्कआउट मिल ली है, और आज तो कुछ मतलब स्पेशल, एक तो डिश बना रहे हैं हम फ्लैट पे ही, साथ में दोस्त रहता है तो बोला हमारे वहाँ अच्छे से मनाया जाता है, तो फार्मर है वो भी, तो बस अभी वो डिश बनाएंगे। और धुआं हो रहा है बहुत तेज, और यार आज मज़ा आने वाला, मोटो व्लॉग करेंगे। बहुत दिन से बाइक खड़ी थी, और जो पहले विंड नॉइस आ रही थी तो वो भी मैंने हटाने की ट्राई करी है, पूरा उसके नीचे कपड़ा लगाया, क्योंकि मेरे हेलमेट के साथ थी नहीं नीचे, लाइक चीन कटन बोलते हैं उसको। सो मज़ा आने वाला व्लॉग में। बस अभी नहाते हैं, पानी हो रहा है गर्म, गीज़र वगैरह अपना, तो नहाते हैं फिर चलते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया, जिम से आके ले ली थी मील वगैरह, तो बस चलते हैं। और बहुत आज धुंध, अभी मैं व्यू दिखाता हूँ पीछे का, अब तो कम हो गई सुबह जब मैं निकला था, यार लिटरली बता रहा हूँ कि गली भी नहीं दिख रही थी, और इतनी अंदर भी जैकेट, इसके नीचे एक और चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें पहन रखी है, बहुत ठंडा। तो बाइक पे पूरा मज़ा आने वाला, धुंध में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, फोग हो रही है, और बाइक के इंडिकेटर एक नहीं चल रहा, तो वो भी दिखा के आना है, तो मोबाइल भी चेक करवा लेंगे। तो बस चलते हैं, अब नहा के मिलता हूँ आप लोगों से। इतने पीछे का व्यू देखो यार, आप कैसे धुंध सी हो रही है। सो ये देखो यार, पूरी धुंध सी हो रही है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत बाकी हाईवे पे जाके पता चलेगी। ये देखो पूरा ठंडा यहाँ पे हो रहा है, और हाथ भी ठंडे हो चुके हैं, पूरे लाल हो गए। सो गाइस नहा के हो चुका हूँ मैं तैयार, पूरा ठंड बहुत है, और कई लोग तो नहाते नहीं है, मैं तो रोज़ नहाता हूँ, क्योंकि जिम से आता हूँ ना तो नहाना पड़ता भाई, अजीब लगता नहीं तो ऐसा। तो अपना सेटअप हो चुका है रेडी, हम हो चुके हैं तैयार, तो निकलते हैं नीचे, बाइक की हालत दिखाते हो, इतने दिन से नहीं चलाई तो मज़ा आएगा पूरा। और मेरे को यार मेन तो उसका चेक करना है कि विंड नॉइस आ भी रही है नहीं आ रही, बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर नहीं आ रही तो, जुगाड़ करा दिखाता हूँ। ये देखो, सो ये तो अपना माउंट लगा हुआ है, सी दिस। तो गाइस ये मैंने लगाया, अब नीचे अंदर माइक लगा हुआ है, अब दिख नहीं रहा होगा तो लाइट में दिखाता हूँ थोड़ा, वेट। ये देखो तो ये माइक लगा हुआ है, ये मैंने अब लगाया, तो अब टेस्ट करते हैं इसको, बस नीचे जाके शूज़ वगैरह पहन लूँ बस। बाइक अपनी खड़ी है ये, तो हालत ऐसे हो रही है, तो यहाँ देख तो नट बोल्ट रखता तो यहाँ लगवा लूँगा, एक बार शिप ने जुगाड़ कर दिया था, तो सारी अजीब हालत हो रही है, देखो मिट्टी से भरी पड़ी है, थोड़ा कपड़ा वगैरह मारते हैं इस पर और फिर चलते हैं अपना। सो ये कंसोल बहुत बढ़िया लगता है यार। यार सर्दियों में कभी भी सीधा रेव ना करे, क्योंकि कार्बोरेटर वाली है मेरी, BS4 है, BS3 आई थिंक, BS3 है, BS4 है, सो कार्बोरेटर सिस्टम है इसके अंदर, तो उसमें थोड़ी बहुत रेस देनी पड़ती है। सपना गर्म हो गया, और अब पता नहीं आवाज़ कैसी हो रही होगी। और ये देखो इंडिकेटर ना, ये देखो इसमें भी पानी चला गया, ये चलो इंडिकेटर सिंगल चल रहा है, ये तो रिंग लाइट हो गई, देखो ऑन ऑफ कर रहा तो सिंगल ही चल रहा है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। तो थोड़ा बाइक को मोबाइल भी चेक करवाना, तो चलते हैं, फोग सी आ रही है सारी विंडशील्ड में। Thank you.
शहर में है पंचर चक, हवा निकल जाती है, दो तीन बार भरवा ली। आगे करूँ? हाँ हाँ, ये YouTube पे वीडियो आती है मोटो व्लॉग की, रिकॉर्डिंग होती है इससे जहाँ जा रहे होते हैं, अंदर माइक भी लगा हुआ है। है? नहीं YouTube है। देसी थी तरीका हाथ गर्म करने का, बाइक चला गया हो, बाइक पे ऐसे ऐसे करके हाथ रखो और हीटर जैसा काम करते है। और देखो इतना गर्म इंजन है, हाथ कितने ठंडे होंगे मेरे। ये देखो मैंने रख रखा आराम से, ये देखो तो इतनी ठंड हो रखी है फिलहाल ग्रेटर नोएडा के अंदर, पूरे हाथ देखो लाल हो गए। आराम से गर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म है तो यहीं पर हाथ लगाए। तो गाइज ये मैंने ले रखा ताकि यहाँ पर मेरे को हवा ना लगे, तो सही बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। और यार इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, कुछ अब स्टडी नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें भी बिजी था, स्टडी में भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो वो भी चल रही है। तो अब मतलब जब बाहर निकला करूँगा तभी व्लॉग बनेंगे, पहले तो वीक में दो बार आ जाते थे, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्टडी पर भी ध्यान देना है और हेलमेट पहन के सारे हमारे बाल ख़राब हो गए, बहुत ठंड है पूरी। तो भैया कर रहे बोले वायरिंग वापस से कर रहा हूँ मैं इंडिकेटर्स की, चल तो गए इंडिकेटर, मैंने सोचा इंडिकेटर ख़राब है तो इंडिकेटर की वायरिंग चल रही है। और भैया बोले टाइम से सर्विस करा लिया करो, अभी मोबिल सही पड़ा अपना ओके, टेंशन की बात नहीं है। और जो उसमें यार मोबिल जहाँ मैंने मतलब बजाज वालों से अपनी सर्विस करवाई थी ना बाइक की, मतलब सर्विस तो क्या क्लच प्लेट डलवाई थी, तो पागलों ने बोल्ट इतने ढीले छोड़ दिए उसमें से मोबिल लीक हो रहा था, तो भैया ने टाइट करे, कंपनी वाले ऐसे ही होते तभी ना छड़वाओ भाई उनसे। तो काम चल रहा है अपना पूरा, यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है बाइक का, पूरी हेडलाइट वगैरह खोल दी। ऐसे भी ना ग्रिल के कितनी अजीब सी लग रही, ग्रिल से लुक आती है इसकी सारी। यार काम हो चुका अपना सारा डन, निकलते हैं। वर्षित का फोन आ गया, बोला भाई खिचड़ी तैयार कर दी, आज वो है मकर संक्रांति तो भाई ने स्पेशल पहले ग्रोफर से राइस मंगवाया उसके बाद खिचड़ी तैयार करिए, तो जाके देखते हैं खिचड़ी। और आज मैगी खाने का मन कर रहा तो मैगी भी खाएंगे। तो बस यहाँ से निकलते हैं और अब देखते हैं इंडिकेटर कैसे काम करते हैं नहीं करते, तो फटाफट चलते हैं बाइक पे। तो गाइस घर पे आ चुका हूँ मैं, और मैंने पापा को बताया, पापा उसने 80 PSI हवा भरती, पापा इतना गुस्सा है, बोले कौन है सुना के आता ये, मैंने कहा मैं पहले सुनाया। तो बस अब घर पे आया, वर्षित तो बाहर गया, बोला भाई खिचड़ी खा लो, खिचड़ी बनाई है वर्षित ने, तो दिखाता हूँ आप लोगों को, दिख तो अच्छी रही है, खा के देखते हैं। सो ये खिचड़ी बना रखी है, अब खाते हैं फटाफट, भूख लग रही है बहुत तेज। तो यार खिचड़ी है एक नंबर, मैं अब खाता हूँ तो व्लॉग को करते यहीं पर एंड। अब मैंने व्लॉग का सोचा कि अब क्या क्या डाला करूँगा, कंटेंट है पड़ा बट टाइम निकालना थोड़ा मेरे पास मुश्किल हो रहा है। और अब भी देख लो कि आधा दिन वेस्ट हो गया और स्टडी कुछ नहीं करी, बिल्कुल लैपटॉप बंद पड़े हैं मेरे सामने, ना कुछ हुआ तो बाहर निकलो यार, ये होता पूरा दिन निकल जाता। तो सुबह देखो सुबह का उठा होता हूँ, जिम जाना होता है, फिर कॉलेज की क्लासेस, फिर सेल्फ स्टडी, फिर उसके बाद फ्लैट के काम दो चार, फिर थोड़ा यार रेस्ट करना भी ज़रूरी है, तो रात हो जाती है पता नहीं चलता, तो इसी वजह से थोड़े व्लॉग में इशू आ रहा है। बट कोई ना करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा टाइम, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस खिचड़ी खाते हैं, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति अगेन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शंभा कैप।